नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं टीएनपी स्पोर्ट्स। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं खेल जगत से जुड़ी हुई आज की पांच बड़ी खबरें। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली के दावे के विपरीत विराट कोहली के बयान कि टी20 की कप्तानी छोड़ते वक्त उन्हें ये नहीं कहा गया था कि आप कप्तानी न छोड़ें। अब इस पर कपिल देव ने इन दोनों को लेकर कहा है कि आप स्थिति को नियंत्रित कीजिए, सार्वजनिक तौर पर एक दूसरे की बुराई करना ठीक नहीं है, आप देश के बारे में सोचिए, आप दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली आगामी सीरीज के बारे में सोचिए, सीरीज से पहले कोई भी विवाद ठीक नहीं है। आपको बताए दोस्तों कि 26 दिसंबर से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो रही है, जिसके लिए भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका पहुंच चुकी है। इंग्लैंड के खिलाफ एडिलेड में जारी डे नाइट टेस्ट मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मानस लबुशेन बल्लेबाजी के दौरान स्टंप माइक पर खुद की तारीफ करते हुए सुने गए। दरअसल बेन स्टोक्स की शॉर्ट गेंद पर झुकने के बाद दोबारा से उठने पर मानस लबुशेन कहते हुए सुने गए कि वेल प्लेड मानस। इस वायरल हो रहे वीडियो पर एक फैन ने कमेंट करते हुए कहा है कि बल्लेबाजी और कमेंट्री दोनों एक साथ हो रही है। पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया ने कहा है कि विराट कोहली के पास दक्षिण अफ्रीका में बतौर कप्तान सीरीज जीतने का आखिरी मौका है। उन्होंने कहा कि विराट कोहली को रन भी बनाने हैं और बतौर कप्तान टीम को जीत भी दिलवानी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीसीसीआई ने जिस तरह से उन्हें वनडे की कप्तानी से हटाया है, उसे देखते हुए विराट कोहली को बतौर कप्तान खुद को साबित भी करना है। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर ने इंग्लैंड के खिलाफ एडिलेड में जारी दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन 95 रन पर आउट होने के बाद ड्रेसिंग रूम की तरफ जाते हुए स्टैंड्स में मौजूद एक बच्चे को अपने ग्लव्स दे दिए, जिसका वीडियो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने शेयर किया है और इस पर लिखा है कि एक किस्मत वाला फैन जिसका दिन बन गया। इस पर एक और यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है कि एक प्यारा फैन भी रहा। आपको बताएं दोस्तों कि डेविड वार्नर लगातार दूसरे टेस्ट मैच में शतक लगाने से चूके हैं। शूटर कोनिका लायक ने कोलकाता में अपने हॉस्टल के कमरे में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। उनके पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। आपको बताएं दोस्तों कि इसी साल एक समाज सेवी ने कोनिका लायक को टैग करते हुए एक पोस्ट में लिखा था कि कोनिका लायक राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए उधार की राइफल पर निर्भर है, जिसके बाद एक्टर सोनू सूद ने उन्हें एक राइफल भी गिफ्ट की थी। आपको बताएं दोस्तों कि कोनिका मूल रूप से झारखंड की रहने वाली थी। तो दोस्तों, स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी के तमाम स्पोर्ट्स अपडेट्स के लिए देखते रहिए डीएनपी स्पोर्ट्स। इसके अलावा अगर आपने डीएनपी स्पोर्ट्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी वीडियोज को भी लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।